देश में नए कोविड मरीजों की संख्या में रोजाना उतार चढ़ाव आ रहा है। बुधवार को देश में 17,135 नए मरीज मिले, हालांकि सक्रिय केसों में कमी आई और 47 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि इसी के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 5,26,477 पर पहुंच गया। फिलहाल आपको बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में सक्रिय केस घटकर 1,47,057 रह गए हैं। 47 लोगों की मौत हुई। वहीं बीते 24 घंटे में 17,135 केस सामने आए। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,40,67,144 हो गई। मंत्रालय के अनुसार सक्रिय केस की तुलना कल के कुल मामलों से करें तो ये 0.31% है, जबकि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.49% और बीते 24 घंटे में 2,735 मामले सामने आए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में दैनिक संक्रमण दर और घटकर 3.69% रहेगी, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 4.67% दर्ज की गई और जबकि मृत्यु दर 1.20% दर्ज की गई। कोरोना महामारी से अब तक 4,34,03,610 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की अगर बात करें तो देश में कोविड वैक्सीन की 204,84,00,000 से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। फिलहाल अगर बात करें जनपद सहारनपुर की तो आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर में बीते 24 घंटे में 20 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं संक्रमण की पुष्टि होने के बाद अब सक्रिय मामले भी एक बार फिर से बढ़कर 84 पर पहुंच गए। इसलिए आप सभी लोग सावधानी बरतें, कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीनेशन के टीके के साथ साथ बूस्टर डोज अवश्य लगवाएँ।